तीन अंडे की सफेदियां और तीन जर्दियां अलग अलग कर लिए मैंने। बेकिंग सोडा, इसमें आगे कोका पाउडर और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए मिक्स हो गया और यहाँ पे ये इस शेप में आ गया लास्ट तक और क्लीन। फिर इसकी करेंगे आइसिंग, मैंने इसके ऊपर कर दी आइसिंग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में हैं। सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल लाइफस्टाइल विद हमज़ा को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाएँ लाइफस्टाइल विद हमज़ा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर करें क्लिक, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ जल्द से जल्द मिल सकें। सो आज मैं क्या करने वाली हूँ, एक्चुअली आज रात 12 बजे हम अपनी सिस्टर के बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक्चुअली मेरा प्लान है जाने का, मेरा दिल कर रहा है मैं उसको जाकर पर्सनली बर्थडे विश करूँ। सो आई एम गोइंग टू बेक अ केक ऑन स्टोव, तो सोचा आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर कर दूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट एक्चुअली, बट आई एम ट्राइंग टू बेक अ केक। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा केक बेक कर सकूँ, वैसे कैसा होता है सोचा कि आप लोगों के साथ मिलके करते हैं और मज़ा आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे होगा एक मज़ेदार सा चॉकलेट केक बेक। अच्छा तो जल्दी से बता दूँ, फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, बहुत लाइट सी फ्लेम पे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं मैंने इसको, मेरे चूल्हे का मैंने ये वाला हिस्सा इसमें पूरा आया था स्टोव में, मैंने डाल के इसको प्री हीट कर दिया। अच्छा इसको छोड़ दे, 25 मिनट हो गए। अब मैंने क्या किया, 3 एग व्हाइट्स, 3 अंडे की सफेदियाँ और 3 जर्दियाँ अलग अलग कर लिए मैंने। यहाँ पर 1 प्याली भर के मैंने लिया मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर, चीनी 1 प्याली भर के, ऑयल 1 कप। कप मैंने इसलिए रखा था कि कप्स की मेजरमेंट ठीक रहती है। 1 कप दूध लिया मैंने यहाँ पर, ये देखें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 4 टेबलस्पून मैंने लिया है क्या कहते हैं कोका पाउडर, ठीक है। और यहाँ पर ये है मेरे पास आ जाता है वनीला एसेंस, तो ये जी मैंने सारा सामान ले लिया और अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं अंडे की सफ़ेदियों को बीट करूँगी। ये मैंने एग वाइट को अच्छे से बीट कर लिया और मज़ीद मैं इसको 2 मिनट और करूँगी। इस पॉइंट पे मैं इसमें जर्दियाँ शामिल करूँगी और उसको मज़ीद बीट करूँगी। ये आ गई मेरे पास एग वाइट्स और इसको कर दूँगी इसमें शामिल, इसको करूँगी अगेन बीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एग को मैंने कर लिया अच्छे से बीट। अब इसमें क्या करूँगी, शामिल करूँगी ऑयल थोड़ा थोड़ा करके और उसको बीट करूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चला गया, इसको डाल के करेंगे बीट। ऐसा करती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाल के इसको अच्छे से करती हूँ बीट और फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे मिल्क 1 कप जो मेरे पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अगेन बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे शुगर। यहाँ पर ये मेरे पास 1 प्याली चीनी है, मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करूँगी। इसको पहले हाफ को बीट करूँगी फिर आप डालूँगी, इनके 3 सेक्शन में चीनी डाल के मैं अच्छे से करूँगी बीट। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले स्लो और देन फास्ट। मैं स्लोरी स्लोरी सारी चीनी इसमें करूंगी शामिल, ये चलेगी और ये बचा 3रा हाफ और फिर मैं तीनों को अच्छे से करके वन बाय वन शामिल इसको करती हूँ बीट। अच्छा यहाँ पर लिया मैंने एक खाली मोल्ड, एक प्लेन, इसमें डाल दिया मैदा, छाना हुआ मैदा है 1 कप। इस पर आ गया बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसमें आ गया कोका पाउडर और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ठीक है। इसको करती हूँ मिक्स और फिर मिक्स करके क्या करेंगे हम इसमें कर देंगे शामिल। यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने इसमें डाला कर लिया मिक्स, अब यहाँ पे ऐड करूँगी वनीला एसेंस
तकरीबन एक टीस्पून और इसको कर लूँगी मिक्स। ये देखें मिक्स हो गया और यहाँ पे ये इस शेप में आ गया। ठीक है, अब इसको करती हूँ बेकिंग वाले सांचे में शिफ्ट और फिर आपको दिखाती हूँ बर्फ रखने से पहले। ये देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, बटर पेपर लगा के इसको इसमें ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा टैप कर लिया ताकि जो बबल्स थे वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको रखूँगी इधर, ये देखें पतीली के अंदर मैंने रख लिया इसको बहुत ही ख्याल के साथ, लेकिन मैंने ग्लव्स पहन के रखा था ताकि राहत ना जल जाए। तो इसको यहाँ कर देंगे कवर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस आई विश कि अच्छा बने इस पर। और जो ये सुराख है इसको मैं करती हूँ किसी कागज़ से टिश्यू से कवर और इसको छोड़ देंगे 50 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए बस माशाल्लाह केक हमारा बहुत अच्छा माशाल्लाह 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 हुआ। मेरे पास तो स्टिक नहीं था तो मैं इसको ये देखिए अंदर डाला और लास्ट तक लेके गई, बिल्कुल क्लीन निकला। सेम एक और कर लेंगे, अंदर गया लास्ट तक और क्लीन। तो यहाँ पर केक को मैं ले आई रूम के अंदर ताकि हवा लगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और इसको ठंडा करते हैं तकरीबन एक घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ के। तब तक इसको कोई छुरी नहीं मारनी, कोई निकालने की इसमें से सांचे में से कोशिश नहीं करनी वरना टूट जाएगा। उसको ठंडा करते हैं फिर चलेंगे इसकी आइसिंग की तरफ और फिर आराम से इसकी आइसिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, विपी विप की एक कप क्रीम ली जिसको मैंने बीट करना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखें कि जो आपकी क्रीम है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। ठीक है, क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए, आपका बाउल भी एकदम चिल्ड होना चाहिए जिससे आपकी क्रीम अच्छी तरीके से बीट होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने एक कप यानी कि एक छोटा कप क्रीम का लिया था और आपके सामने देखें कितनी ज़्यादा क्रीम हो गई और ये इसकी कंसिस्टेंसी है यानी कि इतनी गाढ़ी हो गई है। ठीक है, अब क्या करूँगी इसको मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, गर्मी ज़्यादा है ताकि थोड़ी सी ठंडी और हो जाए और फिर इसकी करेंगे आइसिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, केक को मैंने दो हिस्सों में इस बड़ी छुरी के साथ डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, नीचे रखने वाला बोर्ड मुझे कहीं से नहीं मिला तो केक का जो सांचे वाला डिब्बा को अच्छे से धो के मैंने उल्टा कर लिया। तो क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया है चीनी और पानी का मिक्सचर, अब वो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैं स्प्रेड करूँगी ताकि केक मॉइस्ट और सॉफ्ट रहे। लाइक इस तरह से पकड़ूँगी और इसके ऊपर हल्का हल्का सा गिराती जाऊँगी। लेकिन उससे पहले क्या करूँगी, मैं थोड़ी सी क्रीम लगा के यहाँ पर मैं केक को इसके ऊपर ट्रांसफ़र करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक लेयर को मैंने अच्छे से क्रीम लगा के इक्वली कर लिया, अब दूसरी लेयर मेरे पास है वो उसके ऊपर शिफ्ट करूँगी मैं और उसके ऊपर क्रीम लगाऊँगी। तो लें जनाब, मैंने इसके ऊपर कर दी आइसिंग, ये बना दी इसकी लेयरिंग। इस कलरफुल स्प्रिंकल्स डालने का मतलब था कि उनकी लाइफ इसी तरह हमेशा रंगीन रहे, खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें खास ख्याल, कमेंट सेक्शन में बताइएगा केक बना के कि आपका केक कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।